हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको ये बताया है कि अपनी स्किन को अच्छे तरीके से मुलायम बनाने के लिए और सॉफ्ट बनाने के लिए आपको मॉइस्चराइजर का प्रयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना है। दोस्तों, मॉइस्चराइजर किस तरीके से काम करता है क्या आपको पता है? हम पूरा दिन धूल मिट्टी में काम करते हैं, सूरज की हानिकारक किरणों के नीचे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। मॉइस्चराइजर उस चीज को रिपेयर करता है, हमारी स्किन के अंदर कोलेजन को बूस्ट करता है और उसी की वजह से हमारी स्किन के अंदर नई स्किन को डेवलप करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन सॉफ्ट तो बनती ही है, उसी के साथ साथ हमारी स्किन ग्लोइंग और रेडिएंट भी नजर आती है। तो इसीलिए आपको किसी ऐसे मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना चाहिए जिसके अंदर नेचुरल कंटेंट ज्यादा हो और केमिकल की मात्रा कम हो। वैसे तो मार्केट के अंदर ज्यादातर मॉइस्चराइजर ऐसे ही प्राप्त होते हैं जिनके अंदर नेचुरल कंटेंट कम होता है और केमिकल की मात्रा ज्यादा होती है। मैंने आपको अपनी बहुत सी वीडियोस में मॉइस्चराइजर बनाने की विधि दी है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी स्किन को और भी ज्यादा सॉफ्ट बना सकते हैं। सो दोस्तों, मॉइस्चराइजर लगाना है तो उसका जजमेंट करना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए अगली बार जब भी मॉइस्चराइजर खरीदें तो उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।